किस तरीके की उनकी कंडीशनिंग करते हैं और क्या एक और बिल्ड करते हैं उनके राउंड अच्छा परफॉर्म करें और पॉजिटिव फ्रेम मेंनी अपनी कोचिंग को एग्जीक्यूट uh, करते हैं इट्स नॉट बिन डन बिफोर इन एटलीस्ट सर्कल्स ऑफ पाकिस्तान टू भीटिंग बैक एंड द वेट्स स्ट and and हनीफ मलिक हनीफल टू दी इस्लाम आबाद यूनाइड पॉडकास्ट कैसे हैं आप कब इस्लाबाद पहुँचे आप uh, मुझे दो दिन हो गए इस्लाबाद आए हुए और बस फिर आपके सामने अभी कैम्प कल से स्टार्ट हुआ है तो देखते हैं आगे कैसे जर्नी चलती है क्या रोल है आपका इस्लाम आबाद की टीम में? Uh, मेरा रोल क्योंकि ये जो रोल है कि ये मैंने ना खुद अपने लिए डिज़ाइन किया है क्योंकि uh, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के अलावा जो uh, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती है परफॉरमेंस निकालना तो हमारे सर्किट के अंदर इस तरह का कोई रोल होता नहीं था तो फिर मैंने रेहान लग से रिक्वेस्ट की कि यार मुझे परफॉरमेंस कोच की डेगिनेशन चाहिए तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ये क्या ये क्या करेगी मैंने ये करेगी कि कोचेज प्लेयर्स के बीच में एक लिंच पिन का, का काम करेगी ताकि कोचिस का जो प्लान है वो प्लेयर्स तक जा सके और प्लेयर्स का जो माइंडसेट चल रहा है वो मैं कोचिस को बता सकूं और फिर मेरे पास परफार्मेंस कोच से क्या हो डोमेन बहुत बड़ा हो जाता है मैं बैटिंग में भी जा सकता हूं मैं फील्डिंग में भी जा सकता हूं मैं बॉलिंग में भी जा सकता हूँ और फिर टीम कल्चर में भी जा सकता हूँ इन्वायरमेंट में भी जा सकता हूँ गेम माइंड में भी जा सकता हूँ तो इस तरह से फिर मैंने ना अपने लिए खुद डिज़ाइन किया है कि मुझे परफार्मेंस कोच होना चाहिए ताकि मेरा जो डोमेन है ना वो टीम के अंदर बढ़ जाए आपने भी टीम कल्चर की बात की और आप हमसे ऑफ कैमरा भी थोड़ी थे सी बात हुई थी तो आप उस टीम कल्चर की प्रजर्वेशन के बारे में बड़ी बात कर रहे थे कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लेयर की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए इसके बारे में थोड़ा बताएंगे देखिए इन्वायरमेंट जो है ना हम प्रोडक्ट होते हैं अपने इन्वायरमेंट की तो जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसे रिजल्ट्स होते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि जो हमारा टीम गोल्स हैं वो उसके लिए लर्निंग एन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाए ताकि हमें एम्फेसाइज़ नहीं किया जाए चीज़ों में वो इन्वायरमेंट जब बना होगा तो सब उस एन्वायरमेंट के अंदर खुद आ जाए और जो हमारा कॉमन गोल जिस वजह से हम यहाँ सारे के सारे मौजूद हैं उसकी तरफ हम मिल के एनर्जी लगा सकें जब हमारा इन्वायरमेंट नहीं बनता और चीज़ें अलग डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो जितनी भी एनर्जीज़ होती हैं वो अलग अलग इस्तेमाल हो जाती है तो मेरी मेरा ये कोशिश होती है कि सारी एनर्जीज़ को एक तरफ़ लाएँ और एक कॉमन गोल की तरफ़ जाना शुरू कर दें आपने भी बोला कि ये जो रोल है या आपने खुद डिज़ाइन किया तो कहाँ से आपको ख्याल आया कि गेम के मेंटल एस्पेक्ट आस्पेक्ट पे काम करना चाहिए कैसे शुरुआत हुई इसकी देखें ये ये हुई जब मैं अपने प्लेइंग करियर में था ना तो ये वहाँ से शुरू हुई क्यों हमारे सीनियर प्लेयर और हमारे कोचेज आके बोलते थे यार आप आप मेंटली टफ़ होना चाहिए आपको टेक्टिकली अवेयर होना चाहिए आपको स्ट्रेटजिकली अपनी प्लानिंग करनी चाहिए बस वो सवाल छोड़ जाते थे उसका जवाब नहीं होता था तो उस जवाब की वजह से फिर मैंने उस जवाब को ढूंढना शुरू किया तो जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे उस दौरान 2010 था जब मैं अपने प्लेइंग करियर से रिटायर हुआ तो मैंने जो गूगल है गूगल को उस्ताद बनाया उस टाइम और मैंने सर्चिंग करनी शुरू की कि भाई कौन ऐसा है टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो मॉडर्न डे क्रिकेट में जितनी डेवलपमेंट हो रही है उसको एडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट कर रहा है तो मुझे फिर मिले पैडी एप्टन पेडी अपन उस उस टाइम इंडिया के लिए काम कर रहे थे तो पेडी एटन अपन ने ना अपने लिए एक रोल डिज़ाइन किया था वो रोल था मेंटल कंडीशनिंग और स्ट्रेटजिक प्लानिंग कोच तो वो वो ऐसी चीज़ें थी कि वो जो मैं सवाल ढूंढ रहा के जवाब ढूंढ रहा था वो सारे जवाब वो इंडिया को और दुनिया को बता रहा था तो फिर मैंने उसको फिर ईमेलिंग करनी शुरू की मैंने इतनी ईमेल्स की उसको इतनी ईमेल्स की कि उसने मजबूरन जवाब दिया मुझे फिर उसने मुझे पा दिया कि न्यूजीलैंड में ये कॉलेज है इसका ये सिलेबस है पहले इस सिलेबस पे जाओ फिर उसने बताया ये ये कोच है साउथ अफ्रीका में मेंटल कंडीशनिंग कोच आप इनसे रब्ता करो मैंने उनसे रब्ता किया फिर उन्होंने सिलेबस दिया फिर मैं उनके पीछे लगा रहा तो उन्होंने बोला कि ये मेंटल कंडीशनिंग स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है ये स्पेसिफ़िक कोई डिग्री या रोल नहीं है ये आपको बहुत सारी चीज़ों को करके उसको फिर समराइज़ करना पड़ता है तो फिर मैंने वो कोई दो साल का कोर्स था मेंटल टफनेस स्किल का जो जो विलिंगटन कॉलेज था उससे तो उधर के प्रोफेसर से मैंने रब्ता किया इन पर्सनल फिर उन्होंने मुझे फीडबैक दी तो जब ये मैंने मुकम्मल किया मैंने दो फर्स्ट क्लास टीमों के साथ वो इम्प्लीमेंट किया फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर मुझे उन्होंने बताया दो साल के बाद कि अब आपको हिप्नोसिस पार्टीश हिप्नोसिस का कोर्स करना चाहिए लेवल वन का ताकि आप अपनी बात सामने एथलीट के दिमाग में उतार सको तो ये इस तरह मिलके फिर फिर मैंने फिर डेटा एनालिस्ट की तरफ़ गया मैं यानी अपना ये सारी डिग्री मैंने खुद डिज़ाइन की जिसके लिए मुझे छः साल लगे और मैं मुसलसल उसी में लगा रहा लगा रहा क्योंकि जो क्रिकेट स्पोर्ट्स साइंस ने ना क्रिकेट को बहुत आगे की तरफ ले गई वो आगे की तरफ ले जाने की जो बेसिक है ना वो थी कि जो प्लेयर्स जो तीस साल या अट्ठाईस साल की उम्र में मेच्योर होते थे स्पोर्ट्स साइंसेज ने क्या किया उन्हें इक्कीस बाईस साल के अंदर मेच्योर करने के जो लर्निंग जर्नी थी वो स्पोर्ट्स साइंस की वजह से जल्दी प्लेयर में एडोपशन आ गई तो जब जल्दी प्लेयर के अंदर एडोपशन आ जाएगी तो उनका कैरियर के अंदर उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ और उनकी चीज़ें जैसे आप अभी टॉप एथलीट देख रहे हैं वो भी बाईस तेईस साल के अंदर एक मच्योर हो जाते हैं फिर उनके पास दस साल होते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए और लेकिन जब हम जिस कल्चर में हम खेलते थे और जिस टाइम में हम खेलते थे उस टाइम फ्रेम में हमारे कोचेज हमारे बड़े हमें बोलते थे कि जब आप तीस साल के हो तो तुम्हें एक गेम समझ में आएगा जब वो समझ में आता था तो बॉडी में एनर्जी नहीं होती थी तो इस इस वजह से ये सारे की सारे आसानियाँ पैदा हुई और जिससे अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ और मोस्ट मौ, वैल्यूबल हूँ क्योंकि इस सारी चीज़ों से क्या हो गया मुझे इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत हाई हो गई जब इंटरपर्सनल स्किल्स मेरी हाई हो गई तो आ, प्लेयर के साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छी हो गई और जब रिलेशनशिप अच्छी हो गई तो उन्हें मुझ पर ट्रस्ट आ गया वो और सारा काम सिर्फ ट्रस्ट का है कि आप, आप अगर प्लेयर आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दे तो फिर आपके काम सारे आसान हो जाते हैं अभी इस्लाबाद यूनाइटेड की टीम काफ़ी यंग है आपके पास आज़म है आपके पास इमरजिंग में हुनैन और उबैद हैं और, और कासिम हैं तो ये फ्यूचर स्टार्स हैं डेफिनेटली फ्यूचर स्टार्स हैं तो आप इस तरीके का जो माइंडसेट है जो मेंटल बैरियर्स की जो उनको गिराने के जो तरीक़े हैं और वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे ना शॉर्ट विंडो पी एस छः हफ़्ते का होता है आप एक हफ़्ते पहले कैम्प में आ जाते हैं हाउ विल यू इंश्योर कि ये जो आप चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सिखा रहे हैं वो उनके लिए लाइफ टाइम रहे देखें ये सारे लोग हैं टैलेंट हम बोलते हैं टैलेंट ये जितने भी बॉयज़ हैं ये हमारे पास टैलेंट है लेकिन टैलेंट सिर्फ़ एक आइडेंटिफिकेशन होती है इससे आगे जितना भी आपने सफ़र करना होता है और जितना भी आपने प्लेइंग करियर में परफॉर्मेंस करनी होती है वो आपके वर्क एथिक्स और आपका प्रोसेस करता है तो मैं इतने वक्त जितने भी मेरे पास प्लेयर्स एक हफ्ते के लिए आया या एक मंथ के लिए आया तो मैं उनको पहली बात करता हूँ कि अपना रूटीन अपना प्रोसेस डेवलप करो मैं उनके माइंड में बार बार हिट करता रहता हूँ उनको कि अपना रूटीन बनाना है अपना माइंड डेवलप करना अपनी अप्रोच ठीक करनी और वर्क एथिक्स अच्छे करने जब ये सारी करने चीज़ें जाते हैं तो वो जब उस उस फ्रेम में आते हैं ना क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ आउटकम के बारे में सोचते हैं हमारे जितने प्लेयर हैं और जितना भी मोस्टली कहा जाता है कि 89 परसेंट क्रिकेटर जो दुनिया के हैं वो सिर्फ आउटकम के बारे में सोचते हैं और जितने सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं वो प्रोसेस के बारे में सोचते हैं तो इसलिए वो सक्सेसफुल तो जितने भी प्लेयर्स मुझसे मिलते हैं या जिनके साथ मैं काम करता हूँ उसकी मेन वजह होती है कि मैं उनको कोई कोचिंग या मैं उनको क्रिकेट नहीं सिखा रहा होता मैं उनको सिखा रहा होता हूँ कि आप तीन दिन हैं तीन दिन में आपने एक दिन कैसे गुजारना अगर वो आप 180 दिन गुजार गए तो मैं गारंटीड सक्सेस लिख के दे सकता हूँ मैं आपके लिए एक छोटा सा केस स्टडी आपके सामने रखता हूँ uh, हमने कल हैदर अली से बात की थी और मार्शालाज़ से वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी इज गोइंग थ्रूटल बिट ऑफ अ डाउन टर्न तो उसकी उसको अपलिफ्ट करने के लिए उस स्पेसिफिक प्लेयर को जैसे हैदर की बात करें आपके माइंड में क्या प्लान होगा आप क्योंकि लाइक यू सेड आप उनको फिर से बैटिंग नहीं सिखाएंगे ही इज अ वेरी गुड बैटर और मुझे हमें याद है जब वो ऑन द सीन आए थे उनकी हाइप उनकी जो एनर्जी थी वो ऑफ द रूफ थी तो ऑब्वियसली अभी थोड़े से वो डिमिनिस्ड हो गए इन इस्लाम टीम इज तो उनको स्पेसिफिकली किस तरीके से आप गाइड करेंगे देखें आपके सवाल के अंदर इसका जवाब है वी थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड इन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर मेरा ये काम है कि मैं उसको जितना भी देर उसके साथ काम करूँ मैं उसको प्रेजेंट मोमेंट पर लेके आ जाऊँ जब वो प्रेजेंट मोमेंट में आएगा तो आपने जैसे कहा वो टैलेंटेड है तो जब टैलेंटेड है हार्ड वर्कर है डेडिकेटेड है तो क्या चीज़ मिसिंग है मिसिंग है लमहे मौजूद कि वो प्रेजेंट मोमेंट पे मौजूद नहीं या तो इधर वो पास सोच रहा है इधर या वो फ्यूचर सोच रहा है तो जब आप पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं ना तो प्रेजेंट मोमेंट मिस कर देते तो मे मैंने जो गोल बनाया है उसको उसके लिए कि उसको अच्छा एक रूटीन लेस टॉक मोर एक्शन वाला पार्ट और उसको बी इन प्रेजेंट मोमेंट कि भाई कल क्या होना है और तूने पास्ट में क्या किया उसको हम पीछे रखते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं क्या तूने आज का दिन एक अच्छा गुजारा क्या तूने अपनी हंड्रेड परसेंट एफर्ट डाली एक बॉक्सेस हैं उसमें से क्या क्या टिक किया क्या तूने अच्छा खाना खाया क्या तूने अच्छी रेस्ट लिया क्या तूने लोगों से अच्छा कम्युनिकेट किया क्या तूने लोगों को अच्छी रिस्पेक्ट दी तो इन चीज़ों पर मैं एम्फेसाइज करूँगा उसके अगर ये ये वो अपने आप में कंट्रोल ले आया तो आप नया स्टार देखेंगे जल्दी इनशा आपकी जो सारी स्टडी और थी, किन किन प्लेयर्स पे आपने आके इम्प्लीमेंट किया और इसका क्या आउटकम निकला देखें सबसे पहले जो इस इस सारे सिलसिले में इंडिविजुअल प्लेयर्स के साथ काम किया तो वो वो दो प्लेयर्स थे वो थे एक शान मसूद और दूसरे थे रोमान रईस क्योंकि जैसे ये मैंने अपनी सेल्फ क्रिएटेड डिग्री जो इम्प्लीमेंट करनी शुरू की ना वो इन दोनों लोगों पे शुरू की ये दो अलग किस्म के माइंडसेट थे दो अलग किस्म के करेक्टर थे एक बिल्कुल बिल्कुल लेज़ी था और एक बहुत हार्ड वर्क करता है निशान मसूद इज़ टूमेंडस टू टु वर्क एथिक्स एंड एनी थिंग बट रोमान रईस था तो वो वो थोड़ा सा काम चोर टाइप का था लेज़ी था कि यार बस जो दम गो तो अब इस दो करेक्टर के साथ जब मैंने एक साथ काम किया ना तो मैंने उनका प्लेइंग चेंज करने की कोशिश नहीं तो मैंने क्या कि उनमें उसी में एडॉप्शन क्योंकि शान मसूद दुनिया में ट्रेवल कर चुका था वो बड़ी जगहों से पढ़ा हुआ था वो और सौरी बाकी चीज़ें ना यानी हमारे उस सर्किट के अंदर सबसे एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड आप प्लेयर कहें तो वो शान मसूद था तो जब जब प्लेयर वेल इन्फॉर्म्ड होता है और उसने दुनिया को देखा होता है और आप एज अ कोच अपना कैरियर बना रहे होते हो तो वो वो सामने वाला प्लेयर इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो आपकी सीट देखता है आपका लेवल देखता है तो जब मैंने उनके शान के साथ काम किया और रुमान के साथ काम किया ना तो मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि एथलीट्स के साथ आपने कैसे काम करना है एक हाई वर्क कहती एथलीट और एक लेज़ी तो अब मैंने उनकी तरह जिस तरह से वो चाहते थे मैंने सारा काम वो किया जो मैं चाहता था लेकिन मैंने किया उनके स्टाइल्स में तो इस यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई तो ये मेरे दो केस स्टडीज़ थे तो उसके बाद फिर प्लेयर आते चले गए क्योंकि ये 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 ना मेरे जैसे आप कहें ना तो ये मेरी मार्केट ना तो इनकी वजह से हुई क्योंकि मैं एक छोटी जगह से आया छोटी जगह में काम करता था और आप अगर बड़े स्टार नहीं हो इस मुल्क के तो लोग आपको एडोप्ट नहीं करते आप आप पे ट्रस्ट नहीं करते कि यार इसने क्रिकेट नहीं खेली हुई इसने ये नहीं किया हुआ तो वो वो फिर ना आपके लिए मुश्किल हो जाता सर्किट में लेकिन मैं जैसे मैं लोगों के लिए बोल प्लेयर्स को अपने बताता हूँ कि आपने प्रोसेस में रहना है तो वही मैंने अपने लिए किया मैंने अपना सिर्फ प्रोसेस डिज़ाइन किया क्या मैं एक दिन अपना अच्छा गुजारा नहीं गुजार रहा क्या एक परसेंट बेटरमेंट मेरे हर चीज़ में हो रही है नहीं हो रही है फिर ए, फिर इसी तरह के सिलसिले चलते गए फिर प्लेयर्स मेरे पास आते गए आते गए आते गए फिर एक टाइम ऐसा आ गया तो मैं फिर प्लेयर हायरिंग करने लग गया फिर मैंने प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया कि मैं आपके साथ अब क्योंकि मैंने जब वो करके देखा ना तो इनआउट हो रहा था प्लेयर आ रहे थे जा रहे थे वो जब तक मेरे पास रहते थे तो उनका ट्रांस रहता था वो जैसे मेरे दूर से होते थे डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाते थे तो उनका ट्रांस टूट जाता था तो वो उनका उनके बात करना उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ फिर नीचे चला जाता था फिर मैंने इसके बारे में सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए जैसा टेनिस में होता है टेनिस का कोच क्या करता है वो उसका सुबह से ले रात तक और उसके फुल कैरियर में उसके उसकी उसकी, उसकी परफॉर्मेंस उसकी उसकी लाइफ स्टाइल वो सब कुछ देखता रहता है तो इसी तरह फिर मैंने हायर किया क्योंकि अलग अलग इन्वामेंट में जाते हैं लोग क्योंकि एक, एक एक एथलीट है वो एक साल के अंदर छः कोचिस के अंडर छः डिफरेंट टीम्स में खेल रहा होता है तो वो कैसे अपनी आइडेंटिटी लेकर और टीम कल्चर को एडॉप्ट करके उसके साथ परफॉर्मेंस करना शुरू हो तो ये बेसिक ये था हमारे प्लेयर्स के साथ नहीं ये बहुत फैसिनेटिंग कॉम्पिटिशन हो रही है मुझे आपका एक परस्पेक्टिव चाहिए आप जो इस स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं आई थिंक इन द मॉडर्न डे क्रिकेट में द बेस्ट प्लेयर अभी जो है जो जिस जो माइंड सेट को फॉलो करते हैं विराट कोहली हैं तो आप मुझे ज़रा डिस्क्राइब करेंगे कि विराट कोहली के माइंड में और एक दूसरे क्रिकेटर के माइंड में क्या फ़र्क है वाई इज़ ही सो गुड देखें जो विराट कोहली अभी है ना वो वो टाइम के साथ है क्योंकि तो जैसे जैसे प्लेयर मेच्योर हो जा जाता है और वो जब एड क्लब में पहुंचता है तो हमारे बहुत सारे लोग इलीट क्लब में पहुंच जाते हैं विराट कोहली को ये नशा है कि उस एलीट क्लब में मैंने एलीट क्लब के अंदर भी मुझे नंबर वन रहना है और उस नंबर वन रहने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है देखें जो मैं विराट कोहली को अगर देखता हूँ तो उसके अगर मैं उसको पीछे से फॉलो करता आ रहा हूँ ना तो वो मुझे तीन साल पहले तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था अच्छा। क्योंकि जो जो एरोगेंट होता है और जो अपने आप को कुछ बड़ा समझ रहा होता है तो उस टाइम ना उसका फेलियर बन आ रहा होता है और फिर जब उसका फेलियर हुआ वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया थोड़ा अपना करैक्टर अच्छा करने लग गया फिर मैंने उसकी बोड कास्ट सुनी उसके इंटरव्यू सुने तो वो वो अपने आप को अब कुछ नहीं समझ रहा था वो समझ रहा था कि मैं एक एथलीट हूँ लेकिन बहुत सारे यानी लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू हो गया था यानी अब मुझे मुझे लगना शुरू हो गया था कि अब ये ना ये कुछ ना कुछ बड़े की तरफ जाएगा क्योंकि जब आप एक स्टेज पे पहुंचते हो ना तो उससे आगे सिर्फ आपका करैक्टर ले जाता है और करैक्टर भी वो जो हाईएस्ट लेवल पे हो क्योंकि हमने देखें लोगों के साथ जिंदगी गुजारनी है हमने लोगों के लिए क्रिकेट खेलनी है एक टीम के अंदर चालीस लोग हैं जैसे हमारी टीम अभी आप देख रहे हैं चालीस लोग हैं चालीस डिफरेंट माइंड है उसके अंदर आप अपने 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 आप को कैसे लेके चलते हो और जो आपका पर्सनल गोल है उसको आप कैसे कैरी करते हो क्योंकि हम तो चेंज होते रहते हैं इसी तरह विराट कोहली का जो मेन चीज़ है ना कि उसने अपनी वो रूटीन अब अपना एक अच्छा दिन जिस हमने अभी बात की थी वो सुबह से मैं अच्छा खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा मैं अच्छा पी रहा हूँ क्या मेरे लोगों से कम्युनिकेशन अच्छी है क्या मैं अपने टीम मेट्स की परफॉर्मेंस से खुश हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ क्या मेरी मेरी परफॉर्मेंस से मेरी टीम जीत रही नहीं जीत रही ये जो माइंड और अप्रोच था ना उसने उसको डिफरेंट कर दिया अब वो चाहता है कि मैं लीड क्लब के टॉप पर रहूँ तो वो वो इसके लिए स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि अब उसके लिए रन बनाना और ये चीज़ करना नहीं है उसके क्या मैं इलीड क्लब के टॉप पर हूँ क्या नहीं हूँ अब उसकी वो लड़ाई है। और जो बाकी जो प्लेयर होते हैं जो गुड प्लेयर्स होते हैं उनकी लड़ाई होती है कि हम किसी तरह ए क्लब तक पहुँच जाए तो वो इस स्टेज पे पहुँच चुका है कि मुझे एड और वो सिर्फ एक वजह से उसकी रीज़न है कि उसके अंदर जो एडोपशन आई है ना वो एडोपशन ने उसकी लाइफ चेंज कर दी है आप जो आप जो स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ये पाकिस्तानी कैंप में या इन जनरल जब आप इस इस, इस थ्योरी को आगे लेकर चलते हैं आपको इससे कितनी रेजिस्टेंस मिलती है लोग कितना उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं और लोग इसको, इसको कितना निगलैक्ट करते हैं कि यार ये इससे इससे नहीं बनता प्लेयर आपको क्या फील होता है देखिए वही ना आपको ना समझना ज़रूरी है कि गेम की रिक्वायरमेंट क्या है गेम की रिक्वायरमेंट ये कि आपकी परफॉर्मेंस से टीम जीते अब हमारा क्या सारा का सारा माइंड सेट है स्पेशली हमारे कल्चर के अंदर कि मैं कैसे परफॉर्म करूँ कि मैं सर्वाइव कर जाऊँ तो हम हम सिर्फ सर्वाइवल मूड में कि मैं इस टीम में सर्वाइव करूँ इसमें मैं प्लेयर्स का कसूर नहीं मानता हूँ वो प्लेयर का कसूर इसलिए नहीं मानता हूँ कि आप जैसा उनको चीज़ प्रोवाइड करेंगे वो उसका वो आपको फीडबैक देगा क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में अभी हमने इस्लामाबाद का इन्वायरमेंट बनाया है अगर उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है तो उसकी वजह हम हैं और अगर कोई डिसिप्लिन है तो उसकी वजह हमें तो हमारे यहाँ इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है तो बंदा वो ऑन अ डे सोचता है कि मैं आज का बस और हम मौजों के लिए हमने हम मौजों के चक्कर में लगे रहते हैं कि आज मैं जा रहा हूँ और कुछ मुओवज़ा हो जाएगा हम लॉजिक पे ध्यान नहीं दे रहे हम सिर्फ मैजिक के चक्कर में लगे रहते हैं अभी कुछ हो जाएगा अभी कुछ हो जाएगा जो हमारे स्परिचुअल बिलीवज हैं ना हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ये वजह है कि हम जो ये सारा इन्वायरमेंट है और हम इनसिक्योरिटी हमारे ज़्यादा है फिर वो कल्चर का भी इसमें बहुत बड़ा पार्ट है जो हमारा पूरे मुल्क का कल्चर है क्योंकि कुछ चीज़ सटल्ड ही नहीं है कभी क्या हो जाता है कभी क्या हो जाता है तो वो रिफ्लेक्ट करती है हर जगह तो वो प्लेयर पर भी रिफ्लेक्ट करती है तो जो मेन पार्ट है ना है, हमारा जो प्लेयर है वो आउटकम के चक्कर में लगा रहता है वो चक्कर में इसमें लगा रहता है कि मैं मैं टीम में कैसे पहुंचूंगा उसको ये सोचना चाहिए मैं टीम में पहुंच गया हूं अब मैं क्या करूंगा क्वेश्चन यहां से शुरू होना चाहिए अब मैं टीम में पहुंच गया क्योंकि आपके डोपामिन रिलीज आपका कॉमन गोल होता है मैं पाकिस्तान टीम में चला जाऊँ आपका गोल होता है मैं पी टीम में चला जाऊँ वो वहाँ आ जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मेहनत करते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं अब वहाँ तक पहुँच जाने के बाद उनके पास पाथ ही नहीं होता कि अब मैं यहाँ आके क्या करूँगा क्योंकि उन्होंने उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था तो मैं जिससे बात करता हूँ मैं उसको बोलता हूँ आप पाकिस्तान टीम में पहुँच गए आप पी टीम में पहुँच गए अब सोचो कि क्या करोगे कि वहां से अपनी थाट प्रोसेस शुरू करो क्योंकि आपका जो तो गोल था वो तो पूरा हो गया आपका गोल था कि टीम में आना है हुनैन का गोल था कि मुझे टीम में आना है अब वो आ गया है अब क्या होगा अब उसे वो ब्लाइंड है अब अब हमने उसे ये बताना है कि भाई यहां से आपका पहला बॉल आखिरी बॉल बॉल इज इवेंट तो आप उसको इवेंट लेके चलो इज़ अ पार्ट ऑफ़ द गेम फेलियर सक्सेस रन बनना आउट होना वो क्या होता है अगर परफार्मेंस शुरू होने जा हो होने लग जाती है तो हमारा सोशल मीडिया और हमारे इर्द गिर्द के लोग जो वो बादशाह सलामत में दरबारी ने तो वाह 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 वो इतना वाह वाह कर देते हैं कि वो 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 समझता है कि मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं सीखने की और इस सीखने का अमल अब सचिन रिटायर हुए या हमारे जो भी प्लेयर रिटायर हुए उन्होंने कहा कि हम सीख रहे थे तो जब वो लास्ट मोमेंट पर भी सीख रहे थे तो हमारा कैसा प्लेयर उसकी ना ग्रोथ रुक जाती है वो ग्रोथ का रीज़न ही होता है जो हम जैसे लोग होते हैं उनकी इतनी वाहवा कर देते हैं कि वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है फिर जब ग्रोथ रुक जाती है परफॉर्मेंस नीचे जाती है हम बोलते हैं लड़का ही ऐसा था इसका डिसिप्लिन ठीक नहीं था इसका ये नहीं था रीज़न ही होती है जो हमारी वाहवा है वाह 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 हम वाह करते रहते हैं परफार्मेंस नहीं होती तो यार ये ऐसा ही है फिर क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट इतना ज़्यादा है तो हम उसका केयर नहीं करते कि भाई ये चला जाएगा चलो दूसरा आ जाएगा क्योंकि जब आपके पास लिमिटेशंस होती है ना तो आप उसका ख्याल रखते हो देखिए एक फास्ट बॉलर जाता है अब हाँ वो क्या हुआ भाई भा, इंजर्ड हो गया क्या हुआ वो दूसरा आ गया धानी गया धानी मूसा आया धानी आया धानी गया एहसान अल्ला आ गया एहसानुल्ला आ गया अब अभी उबैद और इन लोगों के नाम सुन रहे हम इनका टेक केयर नहीं कर पा रहे हम इनके इनका ख्याल नहीं रख पा रहे हम इनको प्रोसेस नहीं दे पा रहे कि आप आप लीड क्लब में कैसे जाओगे आप आप कैसे वैल्यू ऐड करोगे कि आपकी वजह से टीम जीते आपकी परफॉर्मेंस से किसी को क्या लेना है आपकी होने की वजह यह है कि टीम जीते रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इसमें क्या क्या बोर्ड की रिस्पांसिबिलिटी के प्लेयर्स को वो विजन दें या फिर ये प्लेयर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपने को इतना एजुकेट करें कि वो उनका वो विजन बन जाए देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं देखिए ना तो हमारे सर्किट में अच्छे स्टूडेंट हैं और ना हमारे सर्किट के अंदर अच्छे उस्ताद हैं और फिर अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो अच्छा उस्ताद नहीं मिल रहा और अच्छा उस्ताद है तो अच्छा स्टूडेंट नहीं मिल रहा तो मैं ये ये एथलीट्स को ये कहता हूँ यार चलो फ़र्ज़ करो आपके पास अच्छे उस्ताद नहीं तो आप अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश करो जब आप अच्छा स्टूडेंट बनोगे तो अपना अपने वे फाइंड कर लोगे क्योंकि देखें जहाँ हम इन प्लेयर्स को ले जाना चाहते हैं ना हम नहीं जानते वो वहाँ किस तरह से जाएगा वो उसकी अंदर की विल उसकी उसकी डेडिकेशन उस, उसकी जो एनर्जी जो टूवर्ड्स अचीविंग थिंग क्योंकि उसके अंदर की चीज़ें हम नहीं जानते हमने क्या करना है कि उनके 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 बैली के अंदर सिर्फ फायर लगाते रहना जहाँ फायर बंद हुई वहाँ फायर लगाया जहाँ जरासी बंद हुई हमें नज़र आया यार इसकी फायर बंद हो रही क्योंकि उसने खुद रास्ते ढूँढना है और उसके बस हमने उसको ये उसमें ये मोटिवेशन देनी है कि तूने रास्ता ढूंढना कि मुश्किल इन्वायरमेंट चैलेंजिंग इन्वायरमेंट दिया उसको और उसके बाद भाई, भाई हमें नहीं पता क्योंकि मैं उस इन्वायरमेंट में कभी गया ही नहीं बस मुझे उसके लिए उसको चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में देना है कोई एक हाथ से दरिया पार कर जाएगा कोई दोनों हाथ से दरिया पार कर जाएगा कोई रस्सी पकड़ के ये उसका पाथ है लेकिन हमें उसको उतार देना है और उसको इतना मोटिवेट कर देना है इतना बिलीफ उसमें बना देना है कि भाई तुझे स्विमिंग नहीं आती लेकिन यकीन करके तू कर जाएगा तो जब वो हाथ पैर चलाएगा तो मुझे ये उम्मीद है कि इतने सारे प्लेयर जो ऊपर जा रहे हैं वो इस, इसी इन्वायरमेंट से जा रहे हैं ना नंबर वनस हैं और ये हैं यानी हम आपने भी इतने क्रिकेट को फॉलो करते हो खेलते हो देखते हो तो हम हमारे लिए कितना कुछ कहा जाता है लेकिन अगर हमारे मुल्क की परफॉर्मेंस देखें और हमारे प्लेयर्स की परफार्मेंस देखें तो हम कोई इतने पीछे नहीं हैं हमारे नंबर वन प्लेयर हैं हमारे बॉलर नंबर वन है हम टीम कभी नंबर वन होती है कभी नीचे आती है तो यही होती है और वो जो हम मुसलसल मेंटेन नहीं कर पा रहे उसकी वजह है कि देखें कोचिंग स्टाफ चेंज क्रिकेट बोर्ड चेंज कप्तान चेंज ये फर्क ये है जब इतना चेंज होगा तो प्लेयर ऑटोमेटिकली उसमें चला जाता है इनसिक्योरिटी आती इनसिक्योरिटी आती वो सर्वाइवल मूड में चला जाता है तो हमें इनके अंदर सिर्फ फायरिंग मूड और डोमिनेटिंग मूड क्रिएट करना है जो इतना मुश्किल नहीं है लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा मैनेजमेंट हो गई कोचिज़ हो गए स्टाफ हो गए फिर फिर इसके लिए हमारा जो आ, सोशल मीडिया कॉन्टेंट है ना क्योंकि मुझे उससे बहुत एतराज़ है क्योंकि कोई एक मैच जिताता है हम उसको वहाँ ले जाते हैं दूसरा मैच जिताता है वो उसको यहाँ ले हम उसको सही तरह जो यूजेज ऑफ सोशल मीडिया है उसको हम सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जैसे फ़र्ज करें कि हमारा कोई यंग प्लेयर परफॉर्म करता है तो हम बोलते हैं ले जीफ स्टार मिल गया हम उसको नहीं बोलते ये यार कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने जा रहा है ही कमिंग अप अमिंग अ ग्रेट टीम प्लेयर और प्रोफेशनल प्लेयर अगर ये ये वर्ड्स हम सही तरह इस्तेमाल कर लें देखें ये छोटी छोटी जगहों से लड़के आते हैं अब सुनें सोलह सोलह सत्रह साल के लड़के अट्ठारह साल के लड़कों इतना फेम मिल जाता है तो इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है तो और उसकी और वो हैंडल करना आसान नहीं है क्योंकि अब अब मैं एक अकेला बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं यार ये सोशल मीडिया से दूर रहो ये कुछ नहीं होता ये इंस्टा से दूर रहो लेकिन वो इतने नोटिफिकेशन आ रहे होते तो वो मेरी तो बात तीस सेकंड की होती है औ, और और 18 बीस घंटे वो नोटिफिकेशन उसके फोन में टन 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 तो बिकॉज आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो आपको आप आप यहां बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि आप सोचते ही सिर्फ इस बारे में हुँ. तो बस आपने अपना जो थाट प्रोसेस की चेंज हैं उनको क्रिएट करना है अब इन लोगों ने क्रिकेट खेलनी है और ये सोच रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे हमारे स्पॉन्सरशिप कैसे होगी उसने क्या बोल दिया उसने अरे विराट कोहली ने कमेंट्स कर दिया अरे पेट कमिन ने कमेंट्स कर दिया उसके लिए देखें जो दुनिया है ना आप तो बाहर रहते हैं आपको पता है दुनिया कॉम्प्लीमेंट करती है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हम उसको बहुत बड़ा समझने लग जाता है सही बात है हमारे मुल्क में कॉम्प्लीमेंट किसी को करता नहीं अगर किसी प्लेयर ने बोला यार इज अ गुड प्लेयर इज़ आर गोइंग टू द बेस्ट वो आपको मोटिवेशन दे रहा है और कॉम्प्लीमेंट दे रहा है लेकिन हम उसको वो कर देते हुए भाई ये मिल गया वो मिल गया ये स्टार आ गया वो स्टार आ गया देखा उसने क्या बोला उसके बारे में hmm. वो देखा उसने क्योंकि भाई वो उनका इन्वायरमेंट है कॉम्प्लीमेंट करना और हमारे यहाँ तो आपके घर वाले आपको नहीं करते तो <laughs> तो, तो वो उसको अजीब सा लगता है कि यार वो वाकई मैं ना कोई ऊपर से उतर के आया हूँ मैं कोई शहजादा हूँ जैसे माँ हर माँ अपने बच्चे को बोलती तू शहजादा है मैंने देखा था तू चांद में तेरा चेहरा नजर आया तो वो सच समझ लेता है इस बातों को क्योंकि ये 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 एक प्रोसेस है ये इज लाइक अ साइकिल पैंडल अब जब साइकिल के पेंडल मारते रहोगे तो साइकिल चलती रहेगी अब फिर उसमें स्पीड आ जाती है अब विराट कोहली ऐसे चला रहा है हमारे प्लेयर ऐसे ऐसे चला रहे और बास प्लेयर तो चला ही नहीं रहे वो खड़े में और बोले यार मेरी सक्सेस नहीं मिल रही आ, तो फिर हमारे यानी सक्सेस नहीं मिल रहे तो ये इज अ पैंडल अगर आ, एथलीट समझ ले कि मैं मुझे कुछ नहीं आता मैं करता हूँ तो आता है क्योंकि वो वो जो वो जो है ना कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट ये मैं कहता हूँ कि डिसमेंटल दिस वर्ड प्रैक्टिस मेक इम्प्रूवमेंट जब जब आप प्रैक्टिस आप परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते ना अब परफेक्ट का सीन है कि वो उसकी ग्रोथ रुक गई तो प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट जब जब आप मारते रहोगे अब अब आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है आप किस स्पीड पे आप मैराथन के लिए जा रहे हो या आप शॉर्ट स्प्रिंट शॉपिंग के लिए जा रहे हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर अभी हम बात कर रहे थे प्लेयर्स की और हमारे वहाँ जिस तरीके से उनको हाइप कर दी हैदर की बात कर रहे थे हैदर्लडी जब आया था तो उसकी कवर ड्राइव को मैं आ रहा था कि बाबर आजम मिल गया हमको उसकी जैसी ड्राइव थी अभी फिर मोहम्मद हारिस आया हमने कहा जॉस पिल्डर बन गया हमको फिर अभी साय मयूब आया उसका नो लुक शॉट को हम लोगों ने इतने एरज बना दिए कि जब उसका पहला ओवर था पी में एल ने बोला ओवर था आपको नया ब्रांड ला मिल गया नया सी मिल <laughs> गया और अभी उसकी सीरीज़ अच्छी अच्छी नहीं की न्यूजीलैंड में तो आप साइम ख्याल काम भी कर चुके हैं जहाँ मैंने बताया था अभी जब उसका डाउनफॉल चल रहा है मतलब इसका सीरीज अच्छी नहीं की उसकी आप किस तरह उसको बात करते हैं किस तरह उसको उस शेल से निकालते हैं कि वो इस परफॉर्म करें देखें अब वो मैं उसके साथ पिछले तीन साल से काम कर रहा हूँ उसे पता है कि वो क्या कर रहा है अब मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती अभी आप उन्हें रिसेंट अगर क्रिक इन्फो पे उसका इंटरव्यू देखें तो उसने बोला कि फेलियर बहुत अच्छे हैं मेरे लिए यानी इसी स्टेज का बच्चा 21 साल का बच्चा अगर फेलियर को लर्निंग समझ रहा है तो समझें कि वो राइट पाथ पे। है उसे पता है मैं प्रोसेस में हूँ उसे पता है इज़ अ लॉ ऑफ एवरेज मेरे मेरे मेरा जो मैं यहाँ से भी सी पी एल खेल के आया मेरी अच्छा था फिर मैं यहाँ के फर्स्ट क्लास खेला मेरा अच्छा था अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना हर मैच में परफॉर्मेंस करे हाँ जो फेलियर होते हैं वो बेटर फेलियर ज़रूर होने चाहिए लेकिन इन साई मैबूब की अगर स्पेशली हम बात करें उसे पता है कि उसे क्या करना है और अब इक्कीस साल का बच्चा है हम उसको लारा से गेज करें या हम वार्नर से गेज करें वार्नर को अब हम वार्नर देख रहे हैं जब वो चौंतीस पैंतीस छत्तीस साल का तो हम बहुत जल्दी गेज करना शुरू हो जाते हैं अब वो सीखने की कोशिश कर रहा है वो 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 उसका माइंड सेट वो ये कि उस, उसकी ये सारी एनर्जी लग रही है कि मैं इलीड क्लब में कैसे जाऊँ जब आप बड़े रिस्क रिस्क ले रहे होते हो चांसेस ले रहे होते हो ना तो फेलियर बढ़ जाता है तो अब वो फेलियर से बंदा सीखता है क्योंकि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ़ योर प्रोसेस तो उसे ये पता है कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ माई प्रोसेस तो उसमें चल रहा है और मुझे अब वो स्टेज पे आ गया कि उसे उसे हेल्प तो ज़रूर चाहिए लेकिन वो सेल्फ़ अवेयर है अब उसे पता है अगर वो फ़ेल होगा तो उसकी गलती होगी और उसे अब पता है कि अगर वो सक्सेस मिलेगी तो उसको उसकी वजह से मिलेगी हमारे हमारा जो बाकी इन्वायरमेंट है उन्हें नहीं पता होता कि हमें सक्सेस क्यों मिल रही है और उन्हें नहीं पता कि फेलियर क्यों हो रहा है तो ये साइम की बहुत अच्छी चीज़ है कि वो सेल्फ अब वो सेल्फ़ लर्निंग है अब मैं 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 उसको कुछ नहीं बताता हूँ वो मुझे बताता है कि मैं ऐसे ऐसे करने जा रहा हूँ अगर उसमें कुछ ऐड करना होता तो मैं कर देता हूँ अदरवाइज मुझे इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जब तक मेरा यह काम है कि अब वो कब तक मेरे पर डिपेंडेड रहेगा देखें प्रेशर सिचुएशन में उसने रहना परफॉर्मेंस उसने करनी है तो वो 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 अगर मैं मेरी सुनता रहेगा तो वो कैसे करेगा कि हालात तो वो हालात हम देखें डिज़ाइन कर क्रिकेट एक वायद खेल है जो केज में खेला जाता है बाकी जितने स्पोर्ट्स हैं वो उसी कोर्ट में या उसी इन्वायमेंट में खेले जाते हैं तो हम उसको गेम के करीब नहीं ले जा सकते और और जो प्रेशर के प्रेशर सिचुएशन है ना देखें आप एक अच्छा प्लेयर है तो वो अच्छा मुसलसल खेलता है आप अच्छे प्लेयर हो आप नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हो आपने देखा वो न्यूजीलैंड की पहला मैच अगर साइम का देखा हो उन्होंने स्ट्राइक एंड पे खड़ा था और आउट हो गया वो उसके जबकि कितना अच्छा खेल रहा था वो वो बहुत अच्छा खेल रहा था वो कोई तीसरे सताइस रन थे हाँ उसने इसने इम्पैक्ट डाल दिया था अपना आ, लेकिन उसने आउट होना था वो आउट हो गया फिर इसका ये फेलियर होना था ये फेलियर ये मैं समझ रहा हूँ कि उसको अगर अगर इसी दो सीरीज में अगली में भी वो तीस रन बना देता और उससे अगली में भी, भी चालीस रन बना देता ना न्यूजीलैंड के अंदर तो मुझे लगता है कि वो रिलैक्स हो जाता तो ये जो उसके साथ हुआ है और अभी जो बी में उसके साथ हो रहा हो रहा है तो उससे मुझे लगता है कि वो 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 जो डिस्ट्रेक्शन देखिए अनकॉन्शियसली बढ़ती है बंदे को जितना भी पता हो लेकिन वो इन्वायरमेंट आपको डिस्ट्रैक्ट करता है तो ये सारे फेलियर से क्या होता है जब क्योंकि बंदा मैं बहुत खुश होता हूँ जब प्लेयर फेल होता है ना क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये आएगा नई पाथ नए वे ढूंढने के लिए तो उसका जो फेलियर किसी भी प्लेयर का फेलियर है ना तो मैं खुश होने लग जाता हूँ कि यार अब अल्लाह पाक ने इसे मौका दे दिया है कि नई चीज़ अडॉप्ट करे नए वर्क एथिक इंस्टॉल करे अपने अंदर अब अब कि भाई ट्रेनिंग अच्छा है फिटनेस अच्छी है उसकी स्किलफुल है तो अब उसको क्या जरूरत है अच्छा न्यूट्रिशन वाला पार्ट करेगा अच्छा वो सोने वाला पार्ट करेगा अच्छा वो योगा मेडिटेशन यानी उसे तो उसे अपग्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए तो जब आपकी सारी चीज़ें स्मूथ चलती रहती ना बंदा समझता है आई एम द किंग चीज़ें स्मूथ है ये तो कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए तो देखें साइम के लिए ये अच्छा है कि और वो फेलियर और कोई भी कोई भी अगर वो उसका उसको फेलियर होता है और वो उसको समझता है कि ये फेलियर इसलिए कि मुझे सक्सेस मिल रही है मिलने वाली है यानी उसको बिलीव बनने लग जाता है उसका यार ये ये इसलिए फेलियर हो रहे हैं मेरे कि मुझे और वो वो जब ही होगा सक्सेस जब मिलेगी जब आप उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे देखें अगर मैं अभी स्टेज पे बैठा हूँ ना तो मैं इस स्टेज पे अब ये मेरा जितना भी मैं काम करा कर रहा था वो बस यहीं तक का कर रहा था यानी जो मेरा वर्क हैथिक्स और मेरी रूटीन्स हैं वो मुझे यहाँ तक लेकर आ गई तो अगर मुझे इससे आगे जाना है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना वो कहते हैं ना वन थिंग वन थिंग यू लर्न एवरी डे और बेटर एवरी डे तो वो पार्ट जब मुझे सब कुछ आसानी से मिल रहा होगा तो मुझे क्या जरूरत है कुछ करने की तो आई थिंक हनी भाई यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन ये एक uh, मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से ये सवाल था और आपसे अच्छा uh, इस प्लेयर को साइको एनालाइज को कर नहीं सकता आपके कैम्प में भी है आजम खान इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन मॉडर्न डे टी ट्वेंटी लीग प्लेयर राइट ना वो क्यों नहीं कर पा रहा ट्रांजेशन देखें ये जो भी मैंने बात की ना आपसे कि वो जो जो कर रहा है वो लीग के स्टेज के लिए बेस्ट है अगर इससे आगे ट्रैवल करना है उसने कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा वो इधर उसकी कम्युनिकेशन हो इधर उसका खाना पीना हो इधर उसकी रेस्टिंग हो रिकवरी हो न्यू शॉट डेवलप करने हो वो जब तक आप ऐड नहीं करोगे ना उसमें यानी आज़म का सेम प्रोसेस जो भी मैंने आपको बताया रीज़न सिर्फ वही है यानी उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है डेफिनेटली लेकिन वो जितनी लीग खेलेगा वो टुमेंडस है लेकिन अगर उससे ऊपर उसे जाना है तो उसने कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना है वो कुछ भी हो सकता है वो साइकोलॉजिकल कुछ ऐड हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल ऐड हो सकता है कुछ कुछ ऐसा हो जाता है जो तो फिजिकल ऐड हो सकता है कुछ टेक्निकल ऐड हो सकता है लेकिन उसको ऐड करना है अगर वो अभी बीस मिनट की ट्रेनिंग करनी है तो अगर इस स्टेज से अगर उसको ऊपर जाना है तो उसे इक्कीस मिनट की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तो आप इसे तो इस बारे में डिस्कस करेंगे बात बिल्कुल करेंगे मैं तो उसके पिछले साल से उसके लेकिन वो बिजी इतना होता है ना देखें ट्रेनिंग के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है क्योंकि हम हमारा जो कल्चर है ना वो इस बात को समझ नहीं पा रहा कि ट्रेनिंग और कंडीशनिंग में फ़र्क है यानी आप आप गए आपने प्रैक्टिस की आप खेले आपने एक्सरसाइज की फील्डिंग की आपने बॉलिंग की आप आ गए इज़ अ कंडीशनिंग ट्रेनिंग के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू डू योगा ट्रेनिंग आपका फूड रजीम आपका सोना आपके दोस्तों से मिलना ये ये उस ट्रेनिंग वाले पार्ट में ये सब कुछ बंद हो जाता है तो जैसे मेरा मैथड एक मेथड क्रिएट किया है मैंने एच एम मैथड तो उसके अंदर ट्रेनिंग और कंडीशनिंग को अभी जो सारे लोग कर रहे हैं अभी हम यहाँ कर रहे हैं हम यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं हम यहाँ कंडीशनिंग्स कर रहे हैं क्योंकि यहाँ आया टाइम नहीं है वो ट्रेनिंग के लिए उसे प्रॉपर हर चीज़ को स्विच ऑफ़ करना होता है और वो अपने आप के बारे में सोचते थे कि हम हम आप अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं हम फोन लेके सो रहे हैं उठते ही किसी ना किसी से हमें काम है आपको आपसे बात करने का टाइम चाहिए होता है और उस टाइम के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग से लेके कर अर्ली स्लीप तक का जो टाइम होता है वो सिर्फ आपके लिए होता है अब लड़का ट्रेनिंग कर रहा है ट्रेनिंग कर रहा है उसे बोला यार, हनी भाई मुझे फलाने फलाने काम में जाना है तो यानी ट्रेनिंग के दौरान उसकी थाट्स ट्रेनिंग में थी ही नहीं वो सोच इस बारे में रहा था तो आपको एक पूरा पोर्शन चाहिए होता है आपने सुना देखें आप जैसे विराट कोहली ने कहा बीच में फेलियर हुआ उसने ब्रेक लिया एक महीना बल्ला नहीं टच किया उसने ब्रेक लिया उसने अपने आप से बात की अब उसको आप कुछ भी कह लें उसने अपने आप अप से क्योंकि आप जिस इन्वायरमेंट में हम हैं हम अपने आप अप से तो बात ही नहीं करते हम अपने आप को गेज ही नहीं करते हम अपनी सुनते ही नहीं हैं जब आप अपने आप को टाइम ही नहीं देते तो वो कैसे आप आप अपने आप की ना हीलिंग कर सकते हैं या आप, आप, आपको पता ही नहीं चल रहा यानी अपनी रिफ्लेक्शन लेने के लिए आपको अपने से बात करना जरूरी है और अपने से बात करने के लिए आपको क्वाइट प्लेस पे अलोन रहना जरूरी है तब आप अपने आप को अब आप हम अलोन बैठते ही नहीं हम फोन निकाल लेते हैं आप बैठो आप बंद करो अपने बारे में सोचो और डेफिनेटली जब आप इस तरह करोगे तो अल्लाह आपके बहुत करीब आया था अकेला फिर वो आपको ऑटोमेटिक जिस तरह हम बोलते हैं ना इस्तारा टाइप हो जाता है आपको चीज़ें नज़र आने लग लगे है। अच्छा ये मेरी गलती थी अच्छा ये मुझे सही करना है क्योंकि वो वो किसी से बोल के नहीं हो सकता वो 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 खुद सोचेगा तो होगा हम किसी में चीज़ें इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक वो चाहेगा नहीं और अगर कोई चाह रहा है जैसे अभी आपने हैदर की हैदर चाह रहा है कासिम चाह रहा है भैया अब चाह रहा है तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं अब वो चाहेगा ही नहीं मैं जितना भी अच्छी उसे कोचिंग दे दूँ या कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रेनर ला के रख दो वो वो आप उसको करते तो देख सकते हो लेकिन उसके अंदर इंस्टॉल क्योंकि वो अंदर जाने नहीं दे रहा वो तो कर रहा है मजबूरी है अब अब ट्रेनिंग कोच आपको बैटिंग करा रहा है वो कर रहा है लेकिन वो जब तक आपकी इसकी फीलिंग और इमोशनल इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर तो वो आप में इंस्टॉल नहीं हो सकती नहीं बेहतरीन अपना हनीफ भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आपके यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स सु, सुनेंगे इस पॉडकास्ट को एंड आपके जो थॉट प्रोसेस है बहुत प्रोग्रेसिव है आप उनको कोई लिटरेचर की तरफ रागब करें या कि, कुछ किसी पॉडकास्ट की तरफ हम उनको गाइड करें कि वो इस प्रोसेस में अपना स्टार्ट ले सकें तो वो क्या होगा देखें सबसे पहले तो ना वो सोचे कि वाई ही प्लेइंग जो वाई है ना वो आपको बताता है पहले सवाल करें वाए जब वाए वो करेगा तो अब तो एजुकेशन और इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है इतनी अवेलेबल है अब जैसे मेरा 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 डे ना मेरा डे स्टार्ट होता है अर्ली ऑफ द मॉर्निंग जैसे अभी साढ़े पाँच बजे फजर हो रही है तो मैं कोशिश करता हूँ दस मिनट पहले उठ जाऊँ मैं उठा मैंने नमाज़ पढ़ी इधर नहीं पढ़ी नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने आप को मेडिटेट किया अब, अब पहले मुझे मेडिटेशन के लिए चीज़ें सुननी पड़ती थी अब वो क्या करें मैं बगैर उसके अपने आप को मेडिटेट कर ले तो यानी वो सबसे पहले तो वो अपनी रूटीन जनरेट कर यानी अगर, अगर अंडर एज बच्चा है तो हफ्ते में चार दिन अपनी रूटीन जनरेट कर ले अर्ली मॉर्निंग उठे अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद ट्रेनिंग करे एक्सरसाइज करे और जल्दी सोए और अपना बैड बनाए यानी बैड को क्लियर करे और लोगों से मिलने वाला पार्ट ट्रेनिंग जब इस बारे में बंदा सोचता चला जाएगा ना देखें मैं मेरी मेरी जो मोस्ट चेंजिंग आया ना मेरी लाइफ में वो आया कोरोना से कोरोना में कोरोना से पहले ना मैं सिर्फ रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान देता था मैं बुक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था अब कोरोना के बाद से और अब तक कोई मैंने एटी वन बुक्स पढ़ चुका हूँ और कोई अगर मेरा यूट्यूब आप देखेंगे ना तो कोई पंद्रह सौ करीब बुक्स समरीज मेरे पास प्ले में मेरे है मैं सुबह उठता हूँ वॉशरूम जाता हूँ अपना टीवी ऑन करता हूँ और पीछे सबकॉन्शियस माइंड में मेरे अनकॉन्शियसली चीज़ें फीड होने तो बच्चों के लिए सिर्फ इससे हैबिट्स पढ़ी है जी बिल्कुल पढ़ी आप है आपकी बहुत सारी है ना हैबिट्स से मैं, मैं रेट कर रहा था कि यार जो की बात कर रहे थे, वो काफी जाएगा जाएगा के के थे न, आप वो काफ़ी ज्यादा जेम्स क्लियर के कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर रहे थे क्रिकेट में आई थिंक दिस दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर सीन क्योंकि इसी इसीलिए ना देखें आप आप वो बहुत सारी चीज़ें अटोमन हैबिट हो गई फिर इसी इसी से रिलेट करके जैसे मैं मोस्टली एम्फोसाइज करता हूँ ग्रेट टीम प्लेयर चैम्प चैम्पियन माइंडेड तो चैंपियन माइंडेड के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत अभी जिसने जिसके भी आपने नाम लिए ये सब बुक पढ़ते हैं शान मसूद बुक पढ़ता है जो बुक्स मैं मंगा के उनको दे रहा हूँ या वो खुद ले पहले मैं मंगा के देता था वो पढ़ रहे हैं सऊद शकील बुक्स पढ़ता है साइम मयूब बुक्स पढ़ता है रोमान रिज बुक पढ़ता है और कई प्लेयर है जो कि मेरा तो पहले ही काम है वो आते ही मैं इतना लिटरेचर फेंक देता हूँ उनकी तरह और मैं रहता जहाँ मेरे पास लोग ट्रेनिंग करने आते हैं मैं बहुत दूर रहता हूँ तो उनके लिए सक्सेस ये है कि वो अगर मेरे तक पहुंच गए तो बस हो गया काम यानी मेरे पास सीखने की ज़रूरत नहीं है वो इतनी एक घंटे की ड्राइव कर रहे हैं वो वहाँ तक आ रहे हैं एक घंटे में वापस जा रहे हैं ये जो टाइम है ना मैं उनको बताता हूँ ये मेरे पास आने की वजह से नहीं हो रहा ये जो आपकी डेडिकेशन है टू टूवर्स कम इधर कि मेरे पास आ रहे हो ट्रेनिंग कर रहे हो ट्रेनिंग तो आप कहीं भी कर सकते हो ना लेकिन उस टाइम जो आप सोच जा रहे हो मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ और जब वापस आ रहे हो या मैंने कुछ सीख लिया है तो वो टाइम आपको मिल जाता है तो आपके सवाल पे मैं वापस आता हूँ कि जितने भी हमारे यंग क्रिकेटर हैं वो अपना अंडर एज के क्रिकेटर अपने खाने पीने पे और अपने कम्युनिकेशन पे अपने बड़ों की इज्जत करें अर्ली उठें और जल्दी सोएं बाकी उन्हें खेलना वेलना सब अवेलेबल है सब आता है यानी अपना रूटीन जनरेट करें और इस इस पैटर्न को वो अगर अच्छा सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो इस रूटीन को ईयर के अंदर वन डेज़ लेके अगर कोई भी वन एटी डेज ले गया अगर वो रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहा है कुछ भी गलत कर रहा है ना तो उसकी सक्सेस में आपको गारंटेड लिख के दे सकता हूँ क्योंकि वही बात है कि जब आप चलते रहते हो चलते रहते हो तो आपको खुद ही देखें रास्ता उसने प्लेयर ने खुद निकालना अभी जितने भी प्लेयर्स मेरे साथ खेल रहे हैं वो वो सब खेलते मेरे पास हैं लेकिन खेलते सब अलग स्टाइल से तो उसकी रीज़न ही है यही है कि भाई वो आप हम आपको पाथ डिज़ाइन करके दे सकते हैं परफॉर्मेंस आपने करनी तो ऑल यंग क्रिकेटर जो सुन रहे हैं सिर्फ वो 180 दिन प्रोसेस आउटकम के बारे में ना सोचे टीम में नाम आता है नहीं आता है देखें ये टाइम जोन है किसी को अर्ली मिलता है किसी को लेट मिलता है तो वो अपने टाइम जोन का इंतज़ार करें बस अपने आप का ये कोशिश करें क्या वो रेडी है कि नहीं है कि मेरे टीम में नाम आता है तो मैं रेडी हूँ कि नहीं हूँ हमारा काम इतना ही है कि हम रेडी हैं कि नहीं हैं फिर अल्लाह का काम है कि वो आपको किस लेवल पे किस तरह से सक्सेस हमारा इतना है कि, कि, मैं बस अभी मुझे अगर मुझे भी कॉल आती है कि यार आपने बिग बैश में आना है तो मुझे कुछ उससे मैंने बैग उठाना है और जाना है क्योंकि मैं रेडी हूँ तो मुझे पाकिस्तान टीम से कॉल आती है तो मुझे कुछ सोचना या करना नहीं पड़ेगा तो बस हर प्लेयर अपने आप को ये सोचे कि मैं रेडी हूँ उस स्टेज तक ले जाए कि हाँ मैं रेडी हूँ सक्सेस गारंटी का इस सीजन इस्लामाबाद में आपने किन किन प्लेयर्स को मार्क किया और क्या गोल्स हैं आपके सीज़न में अगले हफ्ते के देखिए मैं उन्हीं को मांग कर रहा होता हूँ कि जो ना आउट ऑफ फॉर्म होता है और मेंटली लो होता है वो मेरे टारगेटेड होता है वो मेरे केस स्टडीज़ होते हैं यानी मेरे ना ऐसे हाई डोपोमिन एथजम मेरा इतना भर जाता है उनको देखे देंगे अभी हैदर है कासिम अकरम है फिर शादाब आप शादाब को कह सकते हैं क्योंकि शादाब को उस जगह पर वापस लाना है जैसे अपने आबई आप आज़म की बात की आज़म को उस जगह पर ले जाना है और इन प्लेयर्स को इसलिए उस जगह पे लेके जाना है कि इनको ट्रेन करने का मकसद ये है कि इनके होने से टीम की सक्सेस में फ़र्क पड़े क्योंकि आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से कभी भी एलीड प्लेयर या अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते आपके स्टेट्स तो अच्छे हो सकते हैं लेकिन आप 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 जब तक आपकी टीम नहीं जीत रही है आप नहीं यानी आपकी सारी एनर्जी टूवर्स टीम होती है और आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस वो बाय प्रोडक्ट आउटकम होता है Definitely. Hanibai, thank you very much for your time on the Slam Night Podcast. I I was very motivated throughout Your ideology about progressive. I hope it catches on very well and inshallah ta, aapko bahut success. Thank ra, inshallah. you. Thank you. Thank you. Thank you. I appreciate it.